हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे क्राफ्टी गन स्मॉल साइज़ हॉट ग्लू गन के बारे में। ये मैंने फ्रेंड्स ऑनलाइन बाई किया है, 279 की, 279 रुपये की बाई किया है। और ये थोड़ा सा इसका साइज़ स्मॉल है और ये 20 वाट की है। साथ में इसके 7 mm की 25 ग्लू स्टिक फ्री मिली है इसके साथ। और इसको ये ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट ऐसी है जो कि आपके घर में नॉर्मल सप्लाई आ रही होती है। इसमें थोड़ी देर के लिए आप इसको इंसर्ट कर देंगे, इसको जैसे ही प्लग ऑन करेंगे और इसके स्विच को ऑन करेंगे तो थोड़ी देर में ये गर्म हो जाती है। और आप इसमें ग्लू स्टिक जो इसमें नाब लगी हुई है इसको आप दबाने से ये धीरे धीरे इसमें से ग्लू आपकी निकलेगी, गर्म होकर हॉट होकर इससे ग्लू निकलेगी। और आप इसका प्रयोग किसी भी स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको ओपन करके बॉक्स को मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये ग्लू स्टिक है, आप जैसे देख सकते हैं 25 ग्लू स्टिक इसमें जो मिली थी फ्री में, साथ में 7 mm की ये ग्लू स्टिक्स हैं। ये क्वांटिटी में 25 हैं, आप देख सकते हैं इनकी लेंथ को। और इसका डाया 7 mm है। और मैं बाकी इसका दिखा देता हूँ, इसके ग्लू इसको ग्लू गन को निकाल के किस तरह से इन्होंने पैक करके दिया है। बस इसका साइज़ फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ये 20 वाट की है, 40 वाट वाली थोड़ी सी इससे बड़ी होती है। ये आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की है। ये ऑरेंज कलर का जो इसमें स्विच लगा हुआ है जो ट्रिगर है, इसको दबाने से इसमें से ग्लू गन निकलेगी। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए पहले सप्लाई में ऑन करना होगा ताकि वो ग्लू जो इसमें ग्लू भरी हुई है ग्लू स्टिक्स में वो हार्ड होके पिघल सके, वो मेल्ट होके बाहर इस नोज़ल से निकल सके। ये साथ में इसकी देख सकते हैं ये वायर है, इसमें जो इसकी केबल है ये करीब 1.5 मीटर के आसपास है। यहाँ से आप ग्लू स्टिक को अंदर डालेंगे और इस ट्रिगर से आप इसको दबाने से ग्लू हॉट होने के बाद मेल्ट होके ग्लू आगे नोज़ल से निकलेगी। आगे स्टील का नोज़ल लगा हुआ है लोहे का, और आप देख सकते हैं यहाँ अंदर से ये दबाने से इस तरह से ये प्रेस होगी और ये ग्लू गन को आगे बढ़ाती जाएगी जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी। और ये स्टॉप को आप लगा देंगे, प्लग को आप 220 वोल्ट एसी में लगाएंगे। साथ में इसके हैंडल में भी एक स्विच ऑन ऑफ दिया हुआ है।